नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील स्थित सभागार में गांव छपार की दोबारा मतगणना कराई गई। मतगणना में मनोज त्यागी 11 वोटों से विजयी कर दिए गए। एसडीएम सदर परमानंद झा की अगुवाई में रिकाउंटिंग होने के बाद मनोज त्यागी को प्रधान घोषित किया गया। इससे पूर्व छपार में जुबैर अहमद बबलू प्रधान थे। मनोज त्यागी ने बताया कि 2021 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वह 24 वोटों से विजयी हुए थे, लेकिन जब वह अपना प्रमाण पत्र लेने पहुंचे तो वह दूसरे प्रत्याशी जुबैर अहमद बबलू को दे दिया गया, जिसके बाद यह केस कोर्ट में चल रहा था और उसका आज परिणाम आया है, जिसमें 11 मतों से दोबारा विजयी हुए हैं। उन्होंने ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि गांव में अब जमकर विकास कार्य किए जाएंगे, क्योंकि अब चोर भाग चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल में गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन अब विकास कार्य जरूर किए जाएंगे। ये गांव छपार की रिकाउंटिंग हुई थी, इसमें 11 वोट से हम विजयी हुए। रिकाउंटिंग इसलिए करानी पड़ी, 2021 में जो चुनाव हुआ था 2 मई को, जो वहाँ मतगणना हुई, हम 24 वोट से वहाँ विजयी हुए थे। 24 वोट से विजयी होने के बाद हमें कहा गया कि आप आ जाओ, आके प्रमाण पत्र ले लो। सुबह में 22 घंटे खड़े खड़े हो गए थे, जब तक हम वहाँ गए तो प्रमाण पत्र दूसरे को दे दिया। फिर हमने कहा कि इसकी रिकाउंटिंग कराओ, तो रिकाउंटिंग हरगिज कराने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर हमें कोर्ट केस करना पड़ा और कोर्ट केस में अंकुर त्यागी और हमारे बड़े बाबूजी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बाबू तेग बहादुर सिंह, इन्होंने पैरवी की, योगेंद्र पालीवाल जी ने पैरवी की और उसमें आज ये रिजल्ट हुआ कि हम विजयी हुए। आज फिर दोबारा से आप विजयी हुए, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब 2 साल के बाद अब हमें जो काम पहले हो जाना चाहिए था 2 साल पहले, वो आज हो रहा है। क्या नहीं, प्रशासन ने तो अपना काम किया। प्रशासन ने तो ये है कि हमने जो मतलब न्यायालय का काम था, प्रशासन का इसमें कोई काम था भी नहीं। ये सब कोर्ट का काम था। पहले हम यहाँ से जीतते, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीतते, फिर इन लोगों ने स्टे लिया, फिर हम दोबारा जीतते, फिर इन लोगों ने स्टे लिया, तीसरी बार फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आदेश हुए, उस बीच में एक बार हम हाई कोर्ट से जीत के आए, ये हार के आए, इस तरीके से ये प्रक्रिया हुई और तब हम आज विजयी हुए। गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। ही गाँव वालों ने ना वोट देते तो हम कैसे जीत जाते है जी? किस तरह के काम करेंगे जैसे जी? गाँव का पूरा विकास होगा, तो चहुमुखी विकास होगा। चोर तो जाली है, भाग गए चोर तो। 2021 से केस चलता आ रहा है, इस दौरान कोई काम भी नहीं होगा गांव में? ना जी, कुछ नहीं। तो यानी अब होगा? अब होगा जी, बिल्कुल पक्का। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।